वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से एक धारावाही चालक चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होता है। हमने पढ़ा कि अगर किसी सीधे धारावाही चालक के आसपास देखा जाए, मतलब किसी सीधे चालक में धारा प्रवाहित की जाए, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी कि उसके चारों तरफ एक चुंबक के क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ये बात सभी को क्लियर है कि जब सीधे चालक में एक धारा प्रवाहित वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबक के क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इसी तरीके से अगर एक वृत्ताकार लूप है, इसमें धारा प्रवाहित की जाए तो इसके भी चारों तरफ एक चुंबक के क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अगर कई फेरों से बने लूप लिए जाए, यानी कि कई लूप को मिलाकर एक कुंडली बना दी जाए, तो भी उसके चारों तरफ एक चुंबक के क्षेत्र स्थापित हो जाता है। या एक लंबी परिनालिका हो तो इसके चारों तरफ एक चुंबक के क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से अगर किसी चालक के अंदर धारा प्रवाहित होती है, किसी भी चालक से होकर धारा प्रवाहित होती है, तो वो अपने चारों तरफ एक चुंबक के क्षेत्र स्थापित करता है। इस बात से सभी लोग परिचित हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एक सीधा धारावाही चालक चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक वृत्ताकार लूप या कुंडली चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करती है, और एक धारावाही परिनालिका भी चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करती है। मतलब किसी भी चालक का आकार किसी भी तरह का हो, चालक सीधा हो, लूप के फॉर्म में हो, या कुंडली के रूप में हो, या परिनालिका के रूप में हो, अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबक के क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अब अगर किसी धारावाही चालक को जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, समझ लेते हैं पहले इसको, जैसे ये चालक है, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, तो इसमें क्या होगी, एक करंट फ्लो होगी, इसमें एक धारा प्रवाहित होगी। अब इसके पास में एक दूसरा मैग्नेट लाया जाए, ठीक, सपोज करते हैं इसके पास एक दूसरा मैग्नेट लेके आते हैं, तो क्या होगा भाई, हमने ये पढ़ा है कि दो मैग्नेट एक दूसरे को अगर सेम पोल होगा, एक जैसे ध्रुव होंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत ध्रुव होंगे तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक धारावाही चालक है, उसमें धारा प्रवाहित करने पर वो भी क्या करेगा, एक चुंबक की तरह से व्यवहार करेगा, उसके चारों तरफ क्या होगा, एक चुंबक के क्षेत्र होगा। अब उसके पास अगर दूसरा कोई चुंबक या मैग्नेट लाया जाए तो उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होगा। क्लियर भाई, जो चालक है जब इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और एक जो दूसरा मैग्नेट इसके पास लेके आ रहे हैं, तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उन दोनों में कुछ आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा, पॉसिबल है। ठीक है, मतलब ये समझ सकते हैं कि अगर एक धारावाही चालक को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में रखा जाए, किसी दूसरे चुंबक के क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाए, तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव कर सकता है, ऐसा पॉसिबल है भाई। अगर किसी चालक में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा, तभी तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के पास जब दूसरा मैग्नेट लाया जाएगा, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन, यानी कि कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो संभव है कि किसी धारावाही चालक को अगर किसी चुंबक के क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर एक बल का अनुभव किया जाता है। ठीक है, किसी धारावाही चालक को अगर चुंबक के क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। ये बल आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जब किसी चालक को चुंबक के क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है। ठीक है, ठीक, तो इसको समझने से पहले एक एक्सपेरिमेंट हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं एक कोई चालक पट्टी या कोई चालक छड़ है। ठीक है, सपोज मान लेते हैं कोई भी कॉपर एल्यूमिनियम किसी भी चीज की एक ये चालक छड़ है, इसको हम दो तार द्वारा जोड़कर एक कुंजी और एक बैटरी लगा देते हैं। सपोज ये चालक हो गया ए बी। ठीक है,
अब ये देखा गया कि इस चालक के आसपास, इस चालक के पास में जब कोई मैग्नेटिक फील्ड लाया जाए, यानी कि इस चालक को ऐसी जगह पर रखा जाए जहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो, तो यहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। मान लेते हैं ये N हो गया और S हो गया, ठीक है। ये एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिण ध्रुव हो गया, यानी कि यहां पे चुंबक के क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी, इस डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, ये देखा गया कि एक चालक पे, है ना, एक चालक को एक चुंबक के क्षेत्र के प्रभाव में रखा गया। अब देखा गया कि जब इस चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे ही स्विच को हम ऑन करते हैं तो इससे होती हुई क्या होती है, एक धारा प्रवाहित होती है। अब इसमें धारा की दिशा क्या होगी, देखिए ये प्लस टर्मिनल ऐड किया तो धारा की दिशा क्या हो गई, ए से बी की ओर। इसमें चालक में जो धारा है वो क्या है, ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है। तो क्या देखा गया कि जब ये चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है इस मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आता है, तो ये एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, क्या देखा गया कि इस बल के कारण ये जो चालक है ये बाहर की तरफ मूव करता है, ये बाहर की तरफ क्या करता है, विस्थापित होता है, जिसका अर्थ है कि इस चालक पर बाहर की दिशा में एक बल लग रहा है। ठीक है, ये क्या हो गई, बल की दिशा। इस सिंबल का मतलब है तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। ठीक है, समझ लेते हैं ये क्या है, एक चालक तार है जिसको हमने, सॉरी चालक तार या चालक छड़ है जिसको हमने तारों बैटरी से जोड़ दिया एक स्विच द्वारा। फिर यहाँ पे हमने दो चुंबकीय ध्रुव रख दिए S और N, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है ना, N टू S। तो देखा गया कि जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो ये चालक आगे की तरफ, सामने की तरफ क्या होता है, विस्थापित होता है। फिर देखा गया कि जब इस चालक में धारा की दिशा को पलट दिया जाए, यानी कि प्लस की जगह माइनस कर दिया जाए और माइनस की जगह प्लस कर दिया जाए, चालक में धारा की दिशा क्या की जाए, बदल दी जाए, तो देखा गया ये चालक पीछे की तरफ, है ना, चालक तल के अभिलंबवत अंदर की तरफ क्या होता है, विस्थापित होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये बात यहाँ पे क्लियर हुई कि जब किसी चालक को चुंबक के क्षेत्र में रखा जाता है तो वह एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, तो क्या है, विद्युत धारा चुंबक के क्षेत्र में धारावाही चालक को रखने पर क्या होता है, उस पर एक बल लगता है। तो लिख सकते हैं कि किसी धारावाही चालक को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एक बल लगता है। जिसकी दिशा कैसी थी, आई की डायरेक्शन ए से बी की तरफ थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, फोर्स किधर लग रहा था, बाहर की तरफ, जिसकी दिशा धारा व चुंबकीय क्षेत्र दोनों के अभिलंबवत होती है, ऐसे सब दोनों के लंबवत होती है। है ना, यहाँ पे हमने देखा कि जब एक चालक को हम क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ते हैं, जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो मैग्नेटिक फील्ड होने पे चालक क्या होता है, विस्थापित होता है। विस्थापित होने का मतलब उस पर क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है, और इस बल की दिशा क्या देखी गई, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा दोनों के लंबवत बाहर की तरफ देखी गई। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए।
फिर इसमें क्या देखा गया कि जब इसमें हम धारा की दिशा पलट देते हैं तो बल की दिशा क्या होती है, विपरीत हो जाती है, ठीक है। तथा चालक में धारा की दिशा बदल देने पर चालक पर लगने वाले बल की दिशा भी बदल जाती है। ठीक है, एक बार क्लियर भी कर लेते हैं इसको कि जब चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो एक इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ जाता है और एक मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, चालक एक बल का अनुभव करता है जिसकी दिशा क्या होती है, है ना, चुंबकीय क्षेत्र और धारा दोनों की दिशा के लंबवत होती है। इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जब धारा की दिशा ए से बी की तरफ थी, मैग्नेटिक फील्ड क्या था, एन टू एस नीचे से ऊपर की तरफ था, ऊर्ध्वाधर था, तो जो चालक पर लगने वाले बल की दिशा थी वो बाहर की तरफ थी। अगर इस दिशा को पलट दिया जाए, धारा की दिशा को पलट दिया जाए, तो जो फोर्स की दिशा है यानी कि जो बल की दिशा है वो अंदर की तरफ हो जाती है लेकिन लंबवत ही रहती है। ठीक है, जैसे इस कंडीशन में बल किधर लगेगा, बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में, और जब धारा की दिशा पलट देंगे तो बल किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, यानी कि तब ये चालक अंदर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब देखेंगे धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल पर विभिन्न कारकों का प्रभाव। ठीक है, क्या था, देखिए वो भी बताया ना, ये क्या थी, किसकी डायरेक्शन थी, मैग्नेटिक फील्ड की, अब इसमें एक चालक रखा है। अब पिछली बार हमने क्या किया था, चालक को चुंबक के क्षेत्र के लंबवत रखा था, हम मान लेते हैं चालक इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, यह हो गया चालक ए बी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, और इसमें बहने वाली धारा कितनी है, आई। पिछला ये एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम कंडक्टर को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बाकी हमने पूरा सब हटा दिया है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं बी। ठीक है, तो प्रयोगों द्वारा देखा गया कि जब चालक में बहने वाली धारा बढ़ाई जाती है, जैसे चालक परिपथ में जो हमने बैटरी लगाई थी, है ना, इस तरीके से ऐसे चालक था, इसको हमने बैटरी से जोड़ रखा था, अगर ये बैटरी बढ़ा दी जाए, यानी कि जैसे पहले 5 वोल्ट की बैटरी लगी, हम 10 वोल्ट की बैटरी लगा दें, बैटरी का वोल्टेज बढ़ाए तो इस चालक में बहने वाली धारा का मान भी बढ़ता है। तो क्या देखा गया कि चालक पर जो लगने वाला बल है वो धारा के अनुपातानुपाती है, मतलब जैसे जैसे हम चालक में धारा का मान बढ़ाते हैं तो इस पर लगने वाला बल बढ़ता है। प्रयोगों द्वारा देखा गया कि जैसे सीधा सा एक्सपेरिमेंट जो भी हमने आपको बताया, इसी में देखा गया कि जब इस चालक में बहने वाली धारा को बढ़ाया जाता है तो इस पर लगने वाला बल पहले से अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका यह मतलब निकला कि किसी चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, अगर उसमें बहने वाली धारा का मान बढ़ाया जाए तो उस पर लगने वाले बल का मान बढ़ता है। F प्रोपोर्शनल टू I, जिसका मतलब है धारावाही चालक पर बल उसमें प्रवाहित धारा
के समानुपाती होता है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखा गया कि इसकी लंबाई का क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, जैसे पहले लंबाई कम थी, अब अगर लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो देखा गया कि चालक की लंबाई उसी मैग्नेटिक फील्ड में, ज्यादा लंबाई का जब चालक यूज किया जाता है, ज्यादा लंबाई का चालक रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल बढ़ जाता है। यानी कि लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू L, जिसका मतलब नेक्स्ट देखा गया कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दो छोटे चुंबक रखे, दो छोटे चुंबक के ध्रुव रखे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाया गया है। अगर उसके स्थान पर ज्यादा प्रबल, ज्यादा बड़े चुंबक रखे जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो देखा गया कि अगर इस चालक के पास का मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबक के क्षेत्र बढ़ाया जाता है तो भी देखा गया कि चालक पर लगने वाला बल बढ़ता है। यानी कि लिख सकते हैं एफ जो है बी के बढ़ने पर भी बढ़ता है, अर्थात और देखा गया कि अगर इस कोण को देखा गया ये कि अगर इस चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तो सबसे ज्यादा बल यहां पे लगता है, और जैसे जैसे इस कोण को हम कम करते जाते हैं वैसे वैसे चालक पर लगने वाला बल कम हो जाता है, और जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता है। यानी कि अधिकतम बल कब लगता है, जब चालक और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बीच का कोण कितना होता है, 90 होता है, 90 होता है। ठीक है, और फिर जैसे जैसे ये कोण कम होता जाता है, जीरो तक हो जाता है, तो इस पर लगने वाला बल कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो कैलकुलेशन से देखा गया कि ये जो बल है ना, उस कोण पे जो कोण की जो ज्या होती है साइन, उस पे क्या होता है, निर्भर करता है और उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, मतलब ये है कि जैसे जब थीटा 90 होगा तो साइन मैक्सिमम होगा, है ना, जब थीटा 90 होगा तो साइन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फिर जैसे जैसे थीटा कम करते जाएंगे वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी घटेगा और चालक पर लगने वाला बल भी कम हो जाएगा। जब थीटा जीरो हो जाएगा यानी कि चालक मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में हो जाएगा, थीटा जीरो होने का मतलब चालक मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में हो जाएगा, तो उस कंडीशन में साइन थीटा का मान जीरो होगा और चालक पर लगने वाला बल भी कितना होगा, जीरो होगा। तो लिख सकते हैं अर्थात धारावाही चालक पर बल चालक व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कोण की ज्या के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। ठीक है, तो इतने रिजल्ट हमें मिले कि अगर किसी धारावाही चालक को, जैसा अभी हमने बताया कि किसी धारावाही चालक को जब चुंबक के क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि धारावाही चालक भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और जो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच में एक बल लगता है, इसलिए धारावाही चालक
चुंबकीय बल का अनुभव करता है, जिसकी दिशा चालक और धारा दोनों के सदैव लंबवत होती है। जिस दिशा में धारा होगी, जिस दिशा में चालक रखा होगा, है ना, जिस दिशा में धारा होगी, जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड होगा, लगने वाले बल की दिशा दोनों के लंबवत होगी। ठीक है, फिर इस पे कुछ फैक्टर, जो जो फैक्टर यहाँ पे इफेक्टिव थे किसके लिए, लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स के लिए चालक पर, तो उसमें क्या था इंपॉर्टेंट कि जब देखा गया कि चालक में बहने वाली धारा बढ़ाई जा रही है, जब चालक में बहने वाली धारा को बढ़ाया जाता है तो चालक पर लगने वाले बल का मान बढ़ता है। इसी तरह यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया गया तो भी चालक पर लगने वाला बल बढ़ता है। अगर कम लंबाई से ज़्यादा लंबाई का चालक रखा जाए तो भी लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो है वो बढ़ता है। इसी तरीके से अगर थीटा बढ़ाया जाए, यानी कि थीटा को कम करने पे मैग्नेटिक फील्ड घटता है, मतलब थीटा बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, किस रेशियो में, साइन थीटा के रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम, अतः एफ प्रोपोर्शनल टू आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, एफ प्रोपोर्शनल टू आई बी एल साइन थीटा, तो यहां पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा के आई बी एल साइन थीटा। इसमें बी की वैल्यू को इस प्रकार चुना जाता है, इस प्रकार लिया जाता है कि के की वैल्यू क्या हो, वन हो। ठीक है, तो के की वैल्यू वन रखने पे क्या हुआ, एफ इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है, इसमें बी की यूनिट को ही इस तरीके से चुना गया है कि के की वैल्यू वन रखी जाती है। ठीक है, तो एफ इज इक्वल्स टू कितना हो गया, आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब देखेंगे धारावाही चालक पर बल की दिशा। धारावाही चालक पर बल की दिशा, नेक्स्ट अब देखेंगे धारावाही चालक पर बल की दिशा। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला नियम है जिससे हम किसी चुंबक के क्षेत्र में रख के धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, वो है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, क्या है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, देखिए अगर हम अपने बाएं हाथ की अंगूठे, है ना, और ये उंगली तर्ज, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी उंगली, अंगूठी के पास वाली और मध्यमा उंगली, इन तीनों को अगर एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि मध्य जो तर्जनी उंगली है वो चुंबक के क्षेत्र की दिशा में हो और मध्यमा उंगली धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। इस तरीके से समझ सकते हैं, देख लीजिए फिगर। ये क्या है अंगूठा, ये तर्जनी उंगली और ये हो गई मध्यमा उंगली, इस तरीके से समझ लेते हैं ना। ठीक है, ये अंगूठा, ये तर्जनी उंगली और ये मध्यमा उंगली। तो अगर तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, मध्यमा उंगली चालक में धारा की दिशा को व्यक्त करे, चालक में धारा की दिशा, तो अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं क्या है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। यदि हम अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, इस तरह से देखिए, तो अगर
तर्जनी उंगली चुंबक के छेद की दिशा को प्रदर्शित करे और मध्यमा उंगली चालक में बहने वाली धारा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, इसके अलावा एक और नियम है, दाएं हाथ का नियम। ठीक है, अगर हम अपने दाएं हाथ को इस तरीके से फैलाएं कि उंगलियां चुंबक के छेद की दिशा में हों और अंगूठा धारा की दिशा में हो, जैसे मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये कोई चालक है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये चालक पर बहने वाली धारा आई, तो इस पर लगने वाली बल की दिशा कैसे निकाली जाएगी, समझ लेते हैं कि उंगलियां किधर की दिशा में है, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, अंगूठा चालक में बहने वाली की धारा की दिशा में है, तो बल की दिशा, चालक पर बल की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की तरफ होती। इस तरीके से देखिए, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये चालक में बहने वाली धारा की दिशा हो गई, तो जो चालक पर लगने वाला बल होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई और ये चालक इसमें रखा है, ये चालक में बहने वाली धारा की दिशा हो गई, तो इस पर लगने वाला जो बल होगा वो ऊपर की तरफ होगा, यानी कि चालक इस तरीके से विस्थापित होगा। ठीक है, तो दाएं हाथ के नियम से निकाल सकते हैं किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा, कैसे, कि अगर हम अपने दाएं हाथ को इस तरीके से फैलाए कि उंगलियां किधर हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, अंगूठा चालक में बहने वाले धारा की दिशा में है, तो जो हथेली की दिशा होती है उसके लंबवत बाहर की तरफ, वही क्या होती है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। ठीक है, समझ लीजिए इसको अच्छे से।